सकते हैं आप पूरा मंदिर का डिजाइन दोस्तों, कितना बड़ा मंदिर बनने जा रहा है यहाँ पे। पूरा मैं लेके आ चुका हूँ अपनी दोनों सिस्टरों को, ये देख सकते हैं आप, ये दोनों मेरी सिस्टर। हेलो, हाय कर दो। तो दोस्तों अब हमारी छोटे वाली सिस्टर की ख्वाहिश है कि माता जी के यहाँ पे जाना है, तो उसकी ख्वाहिश को पूरी करना है, तो हम लोग जा रहे हैं अब भैसो माता जान बीजासन माता के यहाँ पे। तो दोस्तों बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखना, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ यार सब लोग सपोर्ट करो। तो चलो चलते हैं आगे, चले चलो चलते हैं आगे। हम लोग निकल पड़े हैं मजाक मस्ती करते हैं, और तेरी गिरा था आगे। तो दोस्तों इधर से गया था तो बारिश ने बहुत ही परेशान कर लिया था, परेशान होता होता पूरा भीग भी गया था मैं। तो दोस्तों और आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप निकली है, पूरे बादल भी छट चुके हैं और बहुत ख़तरनाक भी धूप निकली है, और मेरे पूरे कपड़े भी सूख चुके हैं। तो दोस्तों अभी मौसम भी बहुत अच्छा है, तो दोस्तों हम निकल चुके हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। तो चलो चलते हैं, बैठो फटाफट, बैठो 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 ले, तो कैमरे को ऐसे पकड़ ले। तो दोस्तों सिस्टर को दे देता हूँ यार कैमरा, क्योंकि मेरे से गाड़ी चलाना में दिक्कत आएगी, बिना चाबी से स्टार्ट हो जाएगी। क्यों सही है, सही है, हटा पाँव हटा हटा ले। दोस्तों निकल चुके हैं माता जी के दर्शन करने के लिए, बने रहिएगा देखना। बारिश आने की तो कोई संभावना है नहीं दोस्तों, आराम से हम लोग कर सकते हैं दर्शन। तो ये ले तो बंद कर दे, वहीं पे चलाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं माता के दरबार में, देख सकते हैं सामने मंदिर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मैया के मंदिर में, देख सकते हैं आप पीछे मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ का काम चल रहा है दोस्तों, मंदिर बनने का, पूरा मंदिर यहाँ पे तोड़ दिया गया है और यहाँ पे नया मंदिर बनने की प्रोसेस चल रही है, देख सकते हैं दोस्तों। ये सामने देख सकते हैं पूरा मंदिर का एरिया है, ये इधर मंदिर बन रहा है अभी। दोस्तों हम दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं मंदिर में, और ये देख सकते हो पीछे आप सिस्टर दोनों आ रही है मेरे। ये पूरा मंदिर सामने दादा, फोन ही तो रखा है हमारे पास, खींच लेंगे यार फोटो में। ए तो दोस्तों दर्शन कर लिए हैं माता रानी के, और देख सकते हैं आसपास जगह, साथ में चलो। तो दोस्तों हम कर रहे हैं माता रानी की परिक्रमा, तो दोस्तों दर्शन हो गया फाइनली अच्छे तरीके से, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है यहाँ पे, और देख सकते हैं पूरा क्या कही भाई जी। खींच लिया फोटो यार हमने के। तो दोस्तों दर्शन करने के बाद रिंकू को चाहिए पानी पूरी, तो पानी पूरी खाएगी रिंकू। और दोस्तों अभी तो इतनी खतरनाक धूप है कि आँखें बंद हो रही है यार, और सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम था बारिश का कि पूरा बारिश ने मुझे परेशान कर लिया था जाने में। और देख सकते हैं आप दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा है मंदिर में आके, और हमारी रिंकू की ख्वाहिश भी थी आने की, तो हम लोग आए थे। और ये इधर टंकू वंकू किसी को भी चाहिए तो ले सकते हैं, हाँ ले लो। कंकु लेगी कहीं लेगी बता, लाल वाला।
सब दूर घूम रहे हैं हम लोग। और ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पीछे, ये मंदिर का नक्शा है पूरा, मतलब मंदिर की पूरी डिज़ाइन करके रखी है पहले से ही, ऐसा मंदिर बनेगा यहाँ पर। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पूरा कैमरे में, दोस्तों देख सकते हैं आप, ये पूरा मंदिर का नक्शा है, ये ऐसा मंदिर बनेगा यहाँ पे, ये देखो। अच्छा तो मंदिर में घूमने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, देख सकते हैं आप ये पीछे मजाक मस्ती कर, और इधर देख सकते हैं, और ये इधर देख सकते हैं आप भोलेनाथ का ये मंदिर वंदिर, इधर मंदिर भी है भोलेनाथ का। और एक मस्त सी ये काय का पेड़ है यार, ये बेलपत्र, ये दोस्तों बेलपत्र का पेड़ देख सकते हैं आप, बेलपत्र का पेड़ है। और ये नीचे भोलेनाथ विराजमान है, इधर भी है निकल रही, पूरा यहाँ का माहौल देख सकते हैं यार दोस्तों, कितना मस्त यहाँ का नज़ारा है, और मौसम भी देख सकते हैं आप। और ये इधर मंदिर की नक्शा है दोस्तों, मंदिर की पूरी डिज़ाइन बनी हुई है, देख सकते हैं आप पूरा सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे। दोस्तों पानी में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही गर्म पानी है यार दोस्तों, मस्त मज़ा आ रहा है गर्म गर्म पानी में। और उस साइड नीचे का नज़ारा देखते हैं पूरा नज़ारा कैसा लग रहा है यहाँ से, पूरी पहाड़ी के ऊपर से। ये देखो दोस्तों जाली वाले लगा दिए हैं यहाँ पे ताकि कोई गिर ना सके, और देख सकते हो आप पूरा यहाँ से कितना मस्त व्यू आ रहा है पूरा। और ये इधर देखो फोटो खींच रहे दोस्तों, दर्शन कर लिए अच्छी तरीके से, और अब यहाँ से हो गई है निकलने की तैयारी। चलो और इधर कुछ घूमने का होगा मंदिर अंदर तो घूम लेंगे दोस्तों, और आगे चलते हैं और क्या होता है आगे। चलो जूते चप्पल पहनते हैं और गाड़ी, चलो फटाफट निकलते हैं गाड़ी से। अरे साहब कई पसंद है, मैंने सोचा मैंने दूसरी चीज़ तो पसंद नहीं है। अब यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं आगे। दोस्तों मैं घर पहुँच चुका हूँ, और आज का ब्लॉग भी यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम।